ग्राफिक का फोन है और ठीक है, तो ये फोन में बेसिकली ग्राफिक्स का काम है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ऑलरेडी इसमें काम हो चुका है, ये जैसा था जैसे का वैसे ही है। यहाँ पर भी आप देखो एक पीछे जम्पर, ये जो जम्पर आपको दिख रहा है ना, ये बंदे ने क्या किया कि ये सोचा कि ग्राफिक्स नहीं आ रहा, चलो लाइट बना, तो उसने CABC का जम्पर मारा है। ये भी वो YouTube से देखकर, YouTube में यही है कि CABC ना आए तो 1.8 ठीक है बाईपास किया है बंदे ने, ठीक है। और यहाँ तो कहीं भी काम नहीं हुआ है। और अब पीछे देखो तो यहाँ पे देखो बहुत से यहाँ पे काम हुआ है, यहाँ पर कॉम्पोनेंट भी हिलाए गए, मतलब हिले विले लग रहे हैं, मतलब IC भी रिबॉल है और कॉम्पोनेंट भी कुछ निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा लाइनों पर आ जाते हैं। अगर हम बोर्नियो के मुताबिक जाए तो बोर्नियो ग्राफिक्स में क्या बताता है, बोर्नियो ग्राफिक्स में बताता है कि आपकी 10 MP की लाइन है, बराबर। तो ये MP की लाइन आपको यहाँ से मिलती है यहाँ पर, तो ये लाइन भी आपकी ओपन है, मैंने ये लाइन भी आपकी ओके है, चलो ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते भाई इसे, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें ना +5 -5 ही नहीं बन रहा है। तो +5 -5 नहीं बनेगा तो मिपी का कोई मतलब नहीं है, सेंस ही नहीं है ना चेक करने का। क्यों? क्योंकि बोर्डियो में कोई सिक्वेंस नहीं है ना कि पहले ये आएगा दूसरा ये आएगा। अभी कैसा आपका टीचर तो आपको सीधे ये खोल देता है, आपको बताता है कि ये देखो ये कॉइल है, ये मिपी है, आपने समझ लिया, आपने बोला वाह हमें तो ये भी नहीं पता था, हमें पता चल गया, हमारी तो फीस निकल गई। पर जब बनाने जाओगे तो कुछ नहीं बनेगा। फिर कैसा है, यहाँ पर आपको दो सप्लाई मिल रही है, एक 19 पर इस तरीके से और एक 16 पर आई गेस पहले नंबर पे। और ये दो जो दो सप्लाई है ये VSP VSN की सप्लाई है, ये जो आपकी इस PMI से बन रही है। अब अगर आपके टीचर ने आपको सिर्फ ये बता दिया कि प्लस माइनस ही है तो मुझे लगता है कि तो इसके ऊपर भी आपको जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आइए चलो देखते हैं, तो यहाँ पे लाइए थोड़ा सा, देखिए हम चार्जर लगाते हैं और अभी ये इसमें जो वायर हैं वो हम निकाल देते हैं। चलो हम ये मानते हैं कि इस पर बिल्कुल कोई भी सप्लाई ना है। अब देखो ठीक है, कोई सप्लाई नहीं आ रही है ना, ये देखो तीनों वायर लगे हैं अपने, कनेक्शन पूरे हैं और देखो 1.6 पे चला गया है, वाइब्रेट भी हुआ हल्का सा, बट ना लाइट है ना ग्राफिक्स है, ठीक है। मैं फिर से निकाल के दिखाता हूँ, ये देखो फिर से लगाऊंगा, ये देखो 1.8 इस बार 1.9 पे गया है, ऑलमोस्ट 2 एम्पियर ही है मान लो, पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसका ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, कोई नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम और IC की डिटेलिंग पे अगर हम जाएं तो यहाँ पर आपको मैं इधर से ले जाता कि पीछे ये भी दिखेगा और नहीं, IC की डिटेलिंग पे जाएं तो हम क्या करेंगे, हम इस IC को निकाल देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो आप क्या ही करते हो, आप सबसे पहले GR चेक करते हो है ना, बट ये ऑलरेडी काम हुआ है ना, मैं सब करके बैठा हूं, बात तो GR की इससे ऊपर है। अगर GR होता भी तो चलो बोर्नियो से बन जाता, मैं तो आपको डायरेक्ट कोई टाइम पास ना करते हुए सीधे सोल्यूशन पे जाऊंगा, तो मैं IC को निकाल देता हूं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने IC को निकाल दिया,
और उसको क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं काम करूंगा पैड लाइन पर, बोंडियो पर नहीं। मेरे पास डाटा सीट है, मेरे पास डायग्राम हो ना हो, ये मुझे आना चाहिए। ये आपको सीखना है, ना कि आपको बोंडियो चलाना सीखना है। तो अब यहां पर पैड लाइन पर क्या है, हमें थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। सो आओ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। यहां पर देखिए, ये हमारी आईसी है PMI 632, ठीक है। इस आईसी में ये हमारा आईसी का आप कह सकते हैं डिस्प्ले सेंसर है ई, ठीक है। आईसी को पार्ट में बांटा गया है, तो इसका ए बी सी ई, तो ई वाला पार्ट इसका डिस्प्ले सेंसर है, ठीक है। डिस्प्ले सेक्शन में हम और हमारा आईसी का जो नाम है वो यहाँ लिखा हुआ है 632, और यहाँ पर इसका कोडिंग है 5। आपको पता ही है ये 9 में भी आती है, 1 में, इस अलग अलग सीरीज में ये आईसी आती है। अब इस आईसी में सबसे पहले हम इस आईसी इस सेक्शन की बात करें, तो सेक्शन में सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि हमारा इसमें कौन है जो इनपुट दे रहा है, ठीक है। तो इनपुट की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आपको कोडिंग पता नहीं है, मुझे पूरा यकीन है, और यही चीज़ आपको अब सीखना है, और ये चीज़ आपको आप एसर टेलीकॉम में आने के बाद सीखने को मिलेगा, जब आप मेरे पास आएंगे, जब आप हमारे से पढ़ेंगे, हमारे टीचर से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कोडिंग की। तो पहले तो इसके आईसी के 6 नंबर के पर हम GR चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके 6 नंबर का जो लाइन है वो BPH लाइन बना रहा है, जो VDD है डिस्प्ले सेक्शन के लिए। तो ये हमारा आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर ये नहीं आएगा तो ये ग्राफिक्स आईसी आउटपुट नहीं बनाएगी किसी भी तरह का, तो ये भी समझना जरूरी है। फिर यही डिस्प्ले इन होने के बाद ये कॉइल के साथ ये स्विचिंग करेगी ग्राफिक्स की, क्योंकि ये यहाँ पर 632 की जो आईसी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पॉजिटिव डिस्प्ले लगी है। आप देखो तो PMI 8952 के अंदर 2 कॉइल लगी है, एक जो माइनस की भी स्विचिंग कर रही है, पर यहाँ पर आपको जो वोल्टेज स्विचिंग है वो डिस्प्ले पॉजिटिव की स्विचिंग है, हालांकि डिस्प्ले है ना, पॉजिटिव लिखा है ना नेगेटिव लिखा है, तो हम इसको एक कॉमन समझेंगे, और 26 नंबर की पिन पे भी हम GR चेक करेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा जो मेन पॉइंट है फिलहाल उसकी बात करते हैं, फिर हम बाकी इसके प्रोटोकॉल की बात करेंगे। अब इसके बाद ये इसका आउटपुट है VDISP, पी है डेट मीन पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर VSP जो कि ये बन रहा है, और ये M है डेट मीन नेगेटिव, VSN जो कि ये बन रहा है। अब इसके साथ सेंसर पैड के साथ मतलब ये कैपेसिटर अलग ही NC है, सो आप देखो तो ये कैपेसिटर उन्होंने लगा ही नहीं है, ठीक है। सो पर यहाँ पर ये कैपेसिटर है, इनका होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सो अगर मैं कहूँ कि अगर ये भी आपके रिमूव रहे या सड़ गए तो भी आपका ग्राफिक्स नहीं आएगा, ठीक है। सो ये भी चेक करना है कि ये लगे हैं कि अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ कॉम्पोनेंट निकले हुए हैं, तो हमें ये लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉम्पोनेंट से ही मामला है, क्योंकि जब IC बदल दी, बंदे CPU रिवॉल्व करके बैठा हुआ है भाई,
अब इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिसकी मैं बात करूंगा, ये है चार्जिंग पंप का कैपेसिटर। इसको यहाँ पर सी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, तो CAP कैप ही है। तो ये आया स्पीड है, ये वोल्टेज, ये इसको बोलते हैं वोल्टेज डिस्प्ले, वोल्टेज डिस्प्ले चार्जिंग पंप के कैपेसिटर है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैपेसिटर होता है, अगर ये कैपेसिटर आपका निकल जाए तो आपका डिस्प्ले ब्लैंक हो जाएगा। अब आप सोचेंगे ब्लैंक क्यों हो रहा है, लाइट क्यों नहीं आ रही है, तो ये सिक्वेंस आपको पता नहीं है, जो आप इसे टेलीकॉम आओ और हम आपको सिखाएंगे ताकि आप दूसरों को सिखा सको। खैर वो बहुत बात की बात है। अब और प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें, BMI-6 Serie 2 एक डिस्प्ले सेक्शन, राइट। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एक VDISP मिड एक कंपोनेंट है जो कि कैपेसिटर, जैसे कि आपने चार्जिंग में मिड सप्लाई देखी ना, मैनेजमेंट ID, तो ये प्रोटोकॉल है पूरा का। और इसके अलावा अगर हम प्रोटोकॉल की बात करें, तो इसके अलावा प्रोटोकॉल की यहाँ पर जो बात हो रही है वो देखो, यहाँ पर आप देखो डिस्प्ले हार्डवेयर EN, तो ये एक EN सिग्नल है, पर यहाँ पर आप देखो तो रजिस्टर पुल डाउन है, मतलब ये एक पुल डाउन सर्किट है। अभी कैसा है, दिस सिग्नल इज यूज फॉर डिस्प्ले टैप टू वेक। हेलो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैपेसिटर, आप समझते हैं। आई मीन सॉरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रजिस्टर, आप समझ रहे हैं। एंड आई अगर मैं इसको बात करूं, इफ अनयूज इन हार्डवेयर दिस पिन शुड बी कनेक्टेड टू ग्राउंड, मतलब अगर आपकी ये पिन ग्राउंड के साथ में थ्रू ये वायर रजिस्टर कनेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज डिस्प्ले टैप टू वेक। हाँ, तो इस पर एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा जो अगले लेकर आऊंगा कि इसका क्या मसला है। खैर बट इतना कह सकता हूँ कि इसकी वजह से डिस्प्ले फर्स्ट बार में तो आ जाएगा ऑब्वियसली। तो अभी मैं इसको इग्नोर करूँगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर एक पूरा फुल वीडियो बनाऊंगा आपकी रिकमेंड पर। आप मुझे रिकमेंड करेंगे, नीचे कमेंट करके बताओ किसको चाहिए, इस पर फुल वीडियो मैं बनाऊंगा, बराबर। तो हमारा मेन मकसद ये है कि हम पहले ये तीन कैपेसिटर देख लें कि ये लगाए कि नहीं लगे, और ये जिया। सो पहले हम क्या है, ये जिया, तो हमने सारे कैपेसिटर सारे जिया चेक कर चुके हैं, ठीक है। और ये सब कुछ चेक करने के बाद हम नतीजे में पहुंचे हैं कि हमें ये कैपेसिटर देखना है, जिसमें मैं आपको अब यहाँ से एक एक करके कैपेसिटर दिखाता हूँ, नोटिस करना। तो पहला कैपेसिटर अगर मैं बात करूं, ये यहां लगा हुआ है, और अगर मैं बोर्ड में बात करूं, और ये कनेक्टेड है आपके 36 नंबर की पिन पर, राइट। और ये कैपेसिटर आपका यहां पर ये लगा हुआ है, बराबर, ठीक है, कोई नहीं। अगला कैपेसिटर की बात करेंगे, अगला कैपेसिटर है N की सप्लाई में, जो कि ये लगा है। दो कैपेसिटर है यहाँ पर, जिसमें से एक NC है, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, एक ऊपर क्रॉस लगा है। और अब आपको कैमरे में दिखा है, तो यहाँ पर ये कैपेसिटर ये देखो ये लगा है, बट इसका ऊपर का सिरा थोड़ा सा छिला हुआ दिख रहा है, विच इज़ नॉट गुड। मतलब हम चाहे, हमें तो ये कैपेसिटर पे भी अब नज़र रखनी है कि अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हमें कैपेसिटर चेंज करना पड़ेगा, बराबर। उसके बाद जो मेन कैपेसिटर मुझे यहाँ पे देखना है, और जो जिसके बारे में मुझे आपको आज जानकारी देनी है, वो है CP का कैपेसिटर चार्जिंग पम्प। ये है 12-11 का कैपेसिटर, जो कि आप देखो तो यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पे टेबल मिल रही है, तो ये टेबल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर दो IC बताई गई है, 6321, 6325। वन में ये बताया ये कॉम्पोनेंट लगे हैं, और अगर 5 का आपका नंबर है 6325 से, तो ये कॉम्पोनेंट लगे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं इसकी जगह पे ये, और या तो यहाँ पर NC। तो ये कैपेसिटर, ये बड़ा वाला कैपेसिटर है, नोटिस करो इधर। और अगर इसी की मैं बात करूं,
तो ये कैपेसिटर निकला हुआ है अभी, क्या इसका प्रिंट भी है ना ऊपर नीचे था अभी तो मेरे, आपने अच्छे से वीडियो देखना तो मैं क्लीन करते समय ये कैपेसिटर कुछ इस तरह से मिला मुझे। सो इसका हमें पैड टू पैड चेक करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सीपी है, सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है। तो हम इसका पैड टू पैड कैसे चेक करेंगे, 17 और 7 नंबर के पिन पे तो हम इसको चेक करेंगे। तो आयो कि आप तक बी पहुंच जाए, तो बाजार मोड पे रख लेते हैं इसको। देखिए बीप आ रही है आपको आई गेस। तो यहाँ नोज कट पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पर नोज कट पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 तो ये कनेक्टेड है बराबर। अब दूसरा था 17, ये देखो ये है, ठीक है। अब हमें सिर्फ एक कैपेसिटर लेना है। कैपेसिटर की अगर वैल्यू की बात करें तो कुछ है 10 माइक्रोफेराड और 10 वोल्टेज इसकी क्षमता है बराबर, 20% टोटल लेंस के साथ। तो एक कैपेसिटर मैं ऑलरेडी निकाल के रखा हूं, हम इसको लगा देते हैं और ये वीडियो का ज्यादा लंबा ना करेंगे हम। तो कैपेसिटर हमने लगा दिया है, अब हम आईसी को लगा देते हैं और फिर हम चेक करेंगे कि अभी तो फिलहाल देखो पैड पे कोई जीआर इसलिए नहीं है क्योंकि पैड पे ओएल आ रहा है, ठीक है। तो अब हम आईसी को लगाते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं, ठीक है।
तो अब हम इधर दिखाइए, तो अब हम जिस तरह से आपने देखा कि हमने ये काम किया, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए वीडियो बनाया गया है। अब थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, कभी भी डायरेक्ट थिनर नहीं डालने का, आईसी गर्म आईसी के ऊपर थोड़ा ठंडा कर लीजिए, फैन यूज़ कर लीजिए या वेट कर लो थोड़ा सा। ये मैं 300 रुपये का अमेजोन से लिया है, किसी भी डीलर से नहीं लिया हमने। अब मैं वो दिखाना चाहता हूं आपको, देखिए यहां पर ठीक है। अब इसको इसमें डालेंगे और उसका रिजल्ट देखेंगे। देखिए तो इसका रिजल्ट आ चुका है, आपके सामने है। तो जैसे कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से जो प्रॉब्लम होती है, इस तरीके से सोल्यूशंस मिलता है, सही सोल्यूशंस आपको इसी तरीके से मिलेगा। और इसमें और भी बहुत कुछ है बताने लायक, जैसे अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि आप नोटिस करो तो सिर्फ PMI पे सिर्फ दो लाइन और सिर्फ दो कैपेसिटर के अलावा कुछ भी नहीं दिया, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि आपको एक बोर्नियो या बोर्नियो वाले टीचर आपको क्या दे रहे होंगे, सिखा रहे होंगे। और आप अपनी सस्ती फीस के चक्कर में आप अपना पूरा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। देखो मेहनत की कमाई है, हमें इन्वेस्टमेंट कभी भी शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म में लगाना चाहिए, जिस तरह से हम ट्रेडिंग करते हैं। लॉन्ग टर्म में का इन्वेस्टमेंट कभी डूबता नहीं है और हमेशा रिटर्न देता है। शॉर्ट टर्म हमेशा यस और नो की होती है, रिटर्न दोगा तो हाई नहीं तो बिल्कुल जीरो। और ये मोबाइल रिपेयरिंग है, ये लर्निंग और टीचिंग है, इसमें सीखते रहना बहुत जरूरी है। सिर्फ इतनी सप्लाइयों से अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं तो आपको इसके लिए भी इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं है। आप बोर्नियो परचेस करो किसी भी डीलर से और इनको देखकर बस लाइनों को देख लो, जो जहां से आपको दिख रही है कि ये से कनेक्ट है, बस बीप चेक कर लो। तो आपको क्या जरूरत है, यूट्यूब में हजारों वीडियो डले हैं उससे देखकर समझ लो। बट अगर आप सही मायने में प्रॉपर सीखना चाहते हो और एक टेक्नीशियन से आगे, क्योंकि आप जिंदगी भर टेक्नीशियन बनने रहोगे क्या, आप देखो को आपके मोहल्ले में दो इंस्टीट्यूट खुल गए होंगे। क्यों? क्योंकि वो आगे बढ़कर अपने आप को उन्होंने उस सीखने लेवल पे गए, पर सही चुनाव, ठीक है। मतलब आपको ऐसी जगह आना है जहां आपसे प्रैक्टिकल काम करवाया जाए, ऐसा नहीं कि पूरे दिन भर थ्योरी ही चल रही है, सुबह से रात तक सिर्फ थ्योरी ही चल रही है, प्रैक्टिकल का कोई नामो निशान नहीं है। तो ऐसा भी मत करना क्योंकि इसमें भी पैसा वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।